Hello friends, in our previous class we were discussing about the male and female sex organ in Funaria. Now we will discuss about the further process, how after fertilization embryo will develop and how fertilization takes place. अगर बात करें सबसे पहले म्यूसिलेज की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो म्यूसिलेज नेक से रिलीज होता है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं. तो आपको याद रखना है उसमें मैलिक एसिड होगा, शुगर की फॉर्म में सुक्रोज होगी और पोटेशियम आयंस होंगे. तो जो म्यूसिलेज जो कि अट्रैक्टेंट का काम करता है, जो कि मेल गैमिट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, उस म्यूसिलेज के अंदर मैलिक एसिड, शुगर और पोटेशियम आयंस पाए जाते हैं. अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, जिसे सिनगैमी भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इनके अंदर गैमिट्स के फ्लोटिंग के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है. तो इस तरह अगर वाटर की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए तो इसको जूआइडियोगैमी बोला जाता है. और जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. और आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो एल्गी है, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. इस वजह से इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट बोला जाता है. ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनता है. ठीक है, तो अब देखते हैं डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है. ध्यान से सुनिएगा बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की जब बात करेंगे तो इसके अंदर दो तरह का डेवलपमेंट दिखाया गया है. ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं, नॉर्मली डेवलपमेंट दो तरह का होता है. पहला जो है वो है होलोब्लास्टिक. पहला डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक है और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो है मीरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जाइगोट है वो डेवलप हो करके आपका यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, होल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोला जाता है होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट. ये प्रिमिटिव टाइप का डेवलपमेंट है. जब हम एडवांस टाइप के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर इसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट बोला जाता है, जिसमें जाइगोट का कुछ पार्ट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है, दूसरा पार्ट सस्पेंसर बनाता है. तो पार्ट ऑफ जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, दिस इज द टाइप ऑफ मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट. और ब्रायोफाइट्स के अंदर कैसी डेवलपमेंट होती है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट. ठीक है, और ब्रायोफाइट्स जो है, थ्रू आउट द ब्रायोफाइट्स होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट इज प्रेजेंट. सॉरी, ब्रायोफाइट्स के अंदर अगर हम बात करें तो होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट जो है वो एब्सेंट होती है, बल्कि मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट पाई जाती है. और इसमें भी अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके अंदर यहां पे हम लिखेंगे होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट इज एब्सेंट. और मीरोब्लास्टिक की बात करें तो मीरोब्लास्टिक में भी इसमें एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी होती है, यानी जो एम्ब्रियो होगा वो नेक की तरफ वाला होगा, नीचे वाला सस्पेंसर होगा. तो एक्सोस्कोपिक किसको बोलते हैं, जब एम्ब्रियो नेक की तरफ वाला होता है. और एंडोस्कोपिक किसको बोलते हैं, जब एम्ब्रियो वेंटर की तरफ वाला होता है. तो ब्रायोफाइट्स के अंदर कैसा डेवलपमेंट होगा, ब्रायोफाइट्स के अंदर मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा. ठीक है, और ब्रायोफाइट्स के अंदर मीरोब्लास्टिक में भी एक्सोस्कोपिक टाइप का होगा, एंडोस्कोपिक नहीं होगा. इसका मतलब जो यहां पे ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो बनेगा वो नेक की तरफ बनेगा. ठीक है, अब ये है लाइफ साइकिल. आप देख पा रहे हैं लाइफ साइकिल को डिटेल के अंदर. तो लाइफ साइकिल की जब बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है. सबसे पहले ये एक फ्यूनेरिया का प्लांट, इसके अंदर एक फीमेल ब्रांच है, एक मेल ब्रांच है. फीमेल ब्रांच में आप देख पा रहे हैं फीमेल हेड और मेल ब्रांच में मेल हेड. जब हम मेल ब्रांच की बात करें तो इसमें एंथीरिडियम प्रेजेंट है और इसमें से बाइफ्लैजिलेटेड कोमा शेप ट्विस्टेड मेल गैमिट्स बाहर आते हैं जो कि वाटर में फ्लोट करने लगते हैं. फीमेल ब्रांच की बात करें तो उसमें आपको आर्किगोनियम दिखेगी. आर्किगोनियम में नेक और वेंटर है, वेंटर में वीसीसी और एनसीसी और नेक में है और एक्सेल यहाँ पे है. वीसीसी एनसीसी रप्चर हो जाएंगे, म्यूसिलेज सिक्रेट होगा जो कि मेल गैमिट को अट्रैक्ट करेगा. मेल गैमिट यानी एंथीरोजोइड्स और स्पर्म्स दे विल एंटर इन द नेक. यहाँ पर आकर के वो एक्सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे. फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा. जाइगोट के बाद क्या होगा, वो जाइगोट जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा. और एम्ब्रियो कैसा बनेगा, एक्सोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक. तो एम्ब्रियो बनेगा एक्सोस्कोपिक. ठीक है, यानी कि मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट उसमें देखी जाती है. अगर बात करें एम्ब्रियो बाद में बनाएगा एक स्पोरोफिटिक बॉडी. स्पोरोफिटिक बॉडी मैंने आपको बताया था ये डोमिनेंट नहीं होती, ये कुछ समय के लिए बनती है और ये डिप्लोइड होती है. इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर होती हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. फुट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफिटिक फेस को गैमेटोफिटिक फेस के साथ जोड़ के रखती है. इसका फॉर्मेशन हुआ है एम्ब्रियो से.
कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल्स के अंदर स्पोर बनेंगे और सीटा कैप्सूल और फुट को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है। गेमेटोफिटिक बॉडी नीचे वाली है, ये डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। नीचे वाली फेस कैसी है? गेमेटोफिटिक, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बने थे। ऊपर वाली फेस स्पोरोफिटिक, क्योंकि इसमें कैप्सूल है, कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं ये स्पोरोफिटिक फेज ये गेमेटोफिटिक फेज पे डिपेंड कर रही है, ऐसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, क्योंकि इस स्पोरोफिटिक फेज का डिपेंडेंसी इस पर है तो इसको डिपेंडेंट फेज बोला जाता है। और अगर बात करें गेमेटोफिटिक बियरिंग द स्पोरोफाइट्स, इसमें कैप्सूल के अंदर होती है स्पोर मदर सेल SMC। ये स्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करके स्पोर बनाएंगी, उन स्पोर्स का होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होगा तो उसमें से एक स्ट्रक्चर निकलेगी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको प्रोटोनीमा बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये फेज है गेमेटोफिटिक फेज, ये जुविनल केस में प्रोटोनीमा की फेज में रहती है और जैसे ये मैच्योर हो जाती है तो ये वापस से लीफी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, हैप्लोइड प्लांट बॉडी मैच्योर फेज में देखने को मिलेगी और ये वाली गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है ये आपको जुविनल फेज में देखने को मिलेगी। तो जुविनल फेज में आप देख पा रहे हैं प्रोटोनीमा है और मैच्योर फेज में लीफी स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ऊस्पोर या जाइगोट है, जाइगोट को ऊस्पोर भी बोला जाता है, जो कि हमेशा डिप्लोइड होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो कैसा बनेगा? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा, आपको मैं बता चुका हूं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैंने बताया कि एम्ब्रियो से बनेगी स्पोरोफिटिक बॉडी और स्पोरोफिटिक बॉडी में तीन स्ट्रक्चर होती हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और इन तीनों स्ट्रक्चर में से कैप्सूल जो है उसमें पाई जाती हैं स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके मियोस्पोर बनाएंगी और मियोस्पोर जो है वो हैप्लोइड जनरेशन बनाती हैं, जैसे डायरेक्टली बनती हैं रिक्सी और मार्केंशिया में, लेकिन फ्यूनेरिया में लेटरल बर्ड्स बनती हैं पहले, उससे फिर आपके पास हैप्लोइड जनरेशन बनती है। तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और अगर बात करें जो ये स्पोर है ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है साइज में और शेप में एक दूसरे से, इसी वजह से इनको होमोस्पोर्स बोला जाता है। बिकॉज ऑल दीज स्पोर्स आर सिमिलर इन द साइज एंड शेप, सो दीज आर द होमोस्पोर। और अगर बात करें जो वेंटर है, वेंटर की वोल है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आपके पास कैलिप्ट्रा। ये जो कैलिप्ट्रा है बेटा, ये कैलिप्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को और स्पोरेंजियम को। फिर जो ये जनरेशन थी स्पोरोफिटिक, देन गेमेटोफिटिक, देन अगेन स्पोरोफिटिक, देन गेमेटोफिटिक, दोनों जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं एक दूसरे से, इस वजह से इस तरह की ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन को हिट्रोमॉर्फिक डेवलपमेंट या फिर हिट्रोलोगस ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट, और गेमेटोफिटिक फेज इनडिपेंडेंट, दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। इसमें फुट सीटा कैप्सूल है, इसमें कोलोइड फाइलोइड और राइजोइड है। दोनों की मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर होने की वजह से इस तरह की जनरेशन अल्टरेशन को हिट्रोमॉर्फिक या हिट्रोलोगस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे ब्रायोफाइट्स को ब्रीफ में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास।